नमस्कार मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण गोपाल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं, समझो आज नवरात्रि खत्म हो गई, दशहरा बढ़ गया। दशहरा का दिन बहुत ही महत्व का है, बहुत ही शुभ है, और इसलिए आप कभी भी आज एक बहुत ही सुंदर संदेश आपको देना चाहता हूँ, जो जीवन में बहुत ही उपयोगी रहेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हो सकता है तो जीवन में कभी भी किसी भी वक्त आप किसी को कुछ बुरा भला मत कहो, या तो अंदर से भी मत सोचो, अपने अंतरात्मा से जिससे आप नफरत करते हो, या तो कभी कुछ आपसी उसके साथ अनबन हुई हो, तो जीवन में कभी भी उसको बिल्कुल गलत तरीके से मत जवाब दो, या तो अंदर से मत जवाब दो, ये तो वैसा है, ये तो वैसी है, जो भी हो आपके हिसाब से। अगर हमने किसी को बोल दिया ये तो ऐसा है, सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये तो काम नहीं करता, ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो वो है, ये तो ते है, जो भी हम लोग नेगेटिव बोलते हैं वो शब्द ब्रह्मांड में चला जाता है, घूमने के लिए पूरी सृष्टि में चला जाता है, उसको कोई नहीं लेगा, क्योंकि नेगेटिव जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा, उसको वापस ही धकेलेगा। वो जहाँ जहाँ जिस चीज़ से पढ़ा, जिस चीज़ से सुना, जो आप बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, या तो आज के सोशल मीडिया के माध्यम से भी बोल रहे हैं, तो वो शब्द जो है हर जगह पे घूमने निकल जाता है। जिसने जिसने पढ़ा होगा वो नहीं लेगा नहीं अपने अंदर उस शब्द को, वो शब्द फिर दुगुना होके चौगुना होके घूमने फिर निकल जाता है। जितने जितने आदमी के पास गया वो शब्द नेगेटिव था, उसने नहीं लिया तो क्या हुआ, फिर निकल गया वहाँ से, फिर निकल गया, घूमते हजारों लाखों जगह घुमा होगा। सोशल मीडिया में तो है, तो जो कुछ नेगेटिव है वो भी लोग सुनते हैं, और पॉजिटिव है वो भी सुनते हैं, पॉजिटिव सब स्वीकार करते हैं, कितना अच्छा है, और नेगेटिव रहेगा तो नहीं रहे, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी, उल्टा दो शब्द गलत से बोलेंगे, वो सब का आपके पास रिटर्न आएगा। सुन लो, सब जो भी बोलते हैं वो जिसके लिए बोला था उसके ही जो तकलीफ है, उसकी प्रॉब्लम है, वो सब आपको लग जाएगी। हो सकता है डबल टिबल चौगुली होके आ जाए, इसलिए जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, सभी के अच्छे राय सोचो, बुरी राय मत रखो, क्योंकि जीवन ब्रह्मांड में घूमने चला जाता है, और अच्छे शब्द साकार होते हैं, बुरे शब्द साकार होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव प्रभाव से साकार होते हैं, अच्छे शब्द सकारात्मक रूप से साकार होते हैं। और इसके लिए मैं बोलता हूँ, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, अच्छे कीजिए, किसके लिए बोलिए, नहीं वो तो ठीक है, अभी समय है उसका, हो सकता है अभी अच्छा हो जाएगा, उसमें क्या, आप तो अच्छा ही था ना, क्यों पहले अच्छा था अभी कैसा हो गया, तो समय का भी अर्जुन लुटियो वही धनुष वही बाण। जब एक धनुष के टंकार से अर्जुन जी पूरे महाभारत के युद्ध को ललकार सकते थे, सब हिल जाते थे, वही धनुष वही बाण था, चार काबा के उसको लूट के लेके गए। सोचिए आप, क्योंकि समय बलवान था, तो उस आदमी का समय, उस व्यक्ति का समय कभी बलवान होगा, आप नहीं जानते, सबका समय सरीका नहीं होता है, इसलिए किसी के बारे में भी कभी गलत मत सोच रही है, अगर कोई पता चल गया कि इसने लिखा है या तो इसने बोला है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से नेगेटिविटी छूटेगी, तो सोचिए क्या होगा, तो बुराई होने वाला है आपका, तो अच्छा होने के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और शुभ बोलिए, तो शुभ बोलने से अच्छा होने से भी कोई नहीं रुक सकता। इसके साथ शुभ नाम स्मरण करो, भगवान की पूजा पाठ करो, बहुत सकारात्मक सोच रखिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। हरिओम।